लॉकडाउन के चलते पूरे देश में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार लॉकडाउन में गरीब और मध्यवर्गीय लोग जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक एवं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा द्वारा लगातार गरीब मजदूर लोगों की मदद की जा रही है, जिसके चलते आज वार्ड नंबर 33 में अक्सर फैंस क्लब द्वारा वार्ड में लगभग 400 परिवार में सूखा राशन वितरित किया गया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के नेतृत्व लगातार 2-2.5 महीनों से मंदिर बंद थे। जब आज मंदिर के कपाट खुले तो वहां श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दर्शन किए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर पर मंदिर खुलने के बाद से ही श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान शंकर को जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने नियमों के आधार पर मंदिर खोलने का आदेश दिया है। आज 8 जून से सभी मंदिर खोल दिए गए हैं, लेकिन कुछ विकासखंड रुपेड़ी के 2 ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लगातार घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि संक्रमित व्यक्तियों व उनके परिवार के संपर्क में आए सभी 25 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर JP शुक्ला के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ग्राम पंचायत बिछूड़ी के मजरा चुलहिया व ग्राम पंचायत सहजनवा के मजरा सरौना में घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति व उनके परिवार के संपर्क में आए सभी लोगों को भोपाल राजधानी भोपाल में एम्स चौराहे पर लगातार वाटर सप्लाई की पाइप से पानी का लीकेज हो रहा है और सैकड़ों लीटर पानी प्रतिदिन बर्बाद हो जा रहा है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी इस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार 4-5 दिनों से यह पानी सड़क पर ऐसा ही बहता रहता है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। वहीं जहाँ एक तरफ गर्मी के दिनों में भोपाल में कई जगह पर पीने के पानी की किल्लत हो जाती है, तो इस तरीके से पानी की बर्बादी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस समय मध्य प्रदेश में केवल तबादले ही चल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। कोरोना संकट काल में भी शिवराज सिंह चौहान राजनीति कर रहे हैं। जिन अधिकारियों का इस समय तबादला हो रहा है वो अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरी जगह ड्यूटी करने के लिए विवश हैं। ऐसे में इस समय तबादला उद्योग चल रहा है, जो कि पैसा देकर इधर से उधर ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है।